असल नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्पायर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं न्यू मरी का एक बड़ा खूबसूरत विज़िट लेके आया हूँ और आज मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ हॉलीडे कंट्री क्लब का। इसी तरह से तो व्यू कराऊँगा कि मैं किधर से आया हूँ, वो साथ ट्रैक भी आपको साथ दिखाऊँगा। और इसी तरह से यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ पे कॉटेजेस हैं, विलाज हैं, स्मार्ट अपार्टमेंट्स हैं, साथ इसी तरह से जो प्लॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो बन रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पीछे देखिए कितनी ज़बरदस्त धुंध पड़ना स्टार्ट हो गई है इस वक्त, यानी मैं बादलों के अंदर बैठा हूँ। ये धुंध जो आपको नज़र आ रही है, धुंध नहीं है, ये बेसिकली बादल हैं। तो इन बादलों के बीच में मैं खड़े होकर आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ा, एक ट्रैक के ऊपर काफ़ी हाइट के ऊपर आया हूँ, और आपसे सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सकें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितना काम हो चुका है, आपको इस प्रॉपर्टी से क्या बेनिफिट होने जा रहा है, ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, अभी मैं सिग्नेचर रिजॉर्ट से निकल के हॉलीडे कंट्री क्लब की तरफ जा रहा हूँ, और ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, और ये ट्रैक का भी आपको विजिट करवाऊंगा। और ये बड़ा मज़े का ट्रैक है, यहाँ पे लश ग्रीनरी है और साथ व्यू बहुत मज़े का है। इसके अंदर हाइकिंग भी है और इसके अंदर ट्रैकिंग भी आपके लिए है, तो आप इस ट्रैक को ज़बरदस्त इंजॉय करेंगे। ये ट्रैक बड़ा खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे, ये उधर से वहां से मैं आया हूँ, और अभी ये इधर बीच में से ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत ही मजे का ट्रैक है, हाइकिंग के लिए भी, आपके हाइकिंग भी पूरी हो जाती है, शौक आपका और एंजॉय भी आप करते हो जाते हैं यहाँ पे। ग्रीनरी यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, यहाँ पे ग्रीनरी है। HCC इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। ये ट्रैक जा रहा है, बड़ा मजे का ब्यूटीफुल ट्रैक है ये, तो चाहिए सांस सांस भूलेगा आपका, ठीक है, आप इंजॉय करेंगे इसे। नाज़रीन, ये जो ट्रैक है ये नेचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन है, ज़बरदस्त मौसम यहाँ का है, एनवायरनमेंट बड़ी मज़े की है। सीनरी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, क्योंकि
मेरे नाज़रीन में से बहुत से ऐसे अहबाब भी हैं कि जो इस नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए भी साथ साथ में लेके चल रहा होता हूँ। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो चाह रहे हैं डायरेक्टली मैं उस प्रॉपर्टी की उस चीज़ की डिटेल्स बताऊँ, तो मुझे दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। नाज़रीन, अभी मैं हॉलीडे कंट्री क्लब के एरिया में पहुंच चुका हूं और ये जो हॉलीडे कंट्री क्लब के अंदर बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है। और यहां पे ये 7 सिटिंग एरिया जो इसका है, यहाँ बारबेक्यू वगैरह पार्टीज वगैरह का इवेंट वगैरह भी होते हैं। ये सामने इसका एक विला ये भी बन रहा है, ये इसी तरह से ये ऊपर एक विला और बन रहा है ये, और इस साइड पे भी आप ये सामने देखिए तो ये भी विलास वगैरह बन रहे हैं ये। नाज़रीन, इस वक्त कंट्री क्लब के एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट वगैरह हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये सामने आपके जो डिफरेंट विलाज वगैरह बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस सामने आप देख सकते हैं ये सारे विलाज अभी बन रहे हैं, कुछ के लेंटर पड़ चुके हैं, कुछ की चादरें ऊपर फ्लोर पड़ चुकी हैं। नाज़रीन, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं जो ए शेप की कार्टेज में अभी आपको साथ साथ दिखाऊंगा, अभी ये उसकी बेस वगैरह बन रही है और ये उसके ऊपर जो ए शेप्स बनेंगी है और ये सारा फ्रेम लोहे का बनेगा, तो ये इस तरह से ये तैयार होगा। आइए मैं साथ साथ आपको इसका सारे को विजिट करवाता हूँ। तो नाज़रीन आइए चलते हैं, मैं आपको जो ए शेप कार्टेज बने हुए हैं वो दिखाता हूँ। उस साइड की तरफ जा रहे हैं, ये सामने आप देखिए एक बड़े खूबसूरत एंटरटेनमेंट की जगह है, यहाँ बैठ के बड़े आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं मौसम को, एनवायरनमेंट को। ये ए शेप के कार्टेज आप देखें तो ये इस स्टाइल के ऊपर बने होते हैं, ये इसकी शेप ऐसी है कि इसके ऊपर बर्फ नहीं टिकती। ये सामने एक स्ट्रक्चर इसका खड़ा है, ये साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये साइड चूंकि ए शेप्स के कार्टेज के लिए तो ये डिफरेंट साइड्स के ऊपर इस पे काम हो रहा है यहाँ। और आमतौर पे इसमें क्या करेंगे, यहाँ नीचे पिलर्स के ऊपर ये ए शेप के कार्टेज बनाते हैं, नीचे बीम और कॉलम्स बना के और उसके ऊपर लोहे का फ्रेम रखा जाता है और उसके ऊपर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है लोहे का, वो ऑलरेडी मैं आपको दिखाया भी है। और अभी आप यहाँ पे भी देखिए कि ये जिस तरह से नीचे बीम और कॉलम्स दिए हुए हैं और उनके ऊपर लोहे के फ्रेम से बने हुए हैं ये, और उस लोहे से यहाँ पूरा स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। ये जो ए शेप का कार्टेज आप देख रहे हैं ये बनेगा इस स्टाइल के अंदर, ये भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये इस तरह का बनेगा और ये विद लॉफ्ट के हैं, यानी नीचे भी इसके अंदर आपके लिविंग रूम में है आप, इसी तरह से लॉफ्ट यानी इसका एक छोटा सा ऊपर छत देख ऊपर भी ठहर सकते हैं। तो मैं अभी अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा इसको, और फिर इसके अंदर ग्लास वर्क काफी हुआ हुआ है, उससे आप बाहर की एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं।
और इसकी शेप ऐसी है कि इसके ऊपर बर्फ नहीं ठहर सकती, वो साइडों से गिर जाती है और आपको वो परेशानी नहीं होती कि चादरों के ऊपर से हम बर्फ के साथ हटाएं। ये इस तरह की शेप बनी होगी। अभी मैं आपको ए शेप कार्ट्रिज का अंदर से विजिट करवाने लगा हूँ और इसको आइए देखते हैं। इसका बाहर ये बड़ा खूबसूरत टेरेस बना हुआ है और फिर यहाँ दरख्तों को आप देखिए प्रिजर्व किया हुआ है, दरख्त यहाँ नहीं काटे गए। ये इसकी सीढ़ियां ऊपर आने के लिए, ये इसके टेरेस से मैं अंदर जाने लगा हूं। ग्लास वर्क यहाँ पे बहुत हुआ हुआ है, खूबसूरत कॉटेजेस बने हुए हैं। ये इसके अंदर से मैं दिखा रहा हूं आपको। इस तरह से ये फ्रेम बनेगा और इसके ऊपर ये लॉफ्ट भी ऊपर वाली साइड पे है। यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर सीढ़ियां यहाँ पे बनेंगी। इधर से अंदर से व्यू आप बाहर देख सकते हैं, मजे का जबरदस्त ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये लॉफ्ट के ऊपर से भी, यहां से भी आप बाहर का नजारा कर सकेंगे और बाहर आपके लिए ये टेरेस भी मौजूद है। नाज़रीन इसका स्ट्रक्चर मैं दोबारा आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आप देखिए नीचे, ये नीचे बीम और कॉलम बने हैं और इन पिलर्स के ऊपर ये पूरा एक फ्रेम का स्ट्रक्चर बना है लोहे का। तो नाज़रीन ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है, 2 बेड का लग रहा है। लॉफ्ट के साथ जो 1000 स्क्वायर फुट वाले हैं वो वाला अपार्टमेंट मुझे लग रहा है ये। और अभी मैं इसके एक और साइड की तरफ जा रहा हूँ यहीं पे। अच्छा यहाँ भी देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, बारिश का मौसम भी बना हुआ है तो यहाँ पे तरपाल वगैरह लगा के तो ये अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको काम को बिल्कुल भी नहीं रोक रही है। आप ये देखिए तरपाल लगे हुए हैं और से नीचे इन्होंने पिलर्स वगैरह का काम कर रहे हैं ये। अब मैं नाज़रीन आपको यहाँ से एक और इसकी साइट की तरफ लेके जा रहा हूँ यहीं पे। ये नीचे वाली साइड पे भी आप देखिए एक विला ये भी बना हुआ है। और नाज़रीन ये जिस साइट के ऊपर मौजूद है यहाँ पे इनकी कोर्ट्स के वाले से जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है, यहाँ पे वो बनेंगे। और साथ ही जो स्मार्ट अपार्टमेंट्स हैं वो भी इसी साइट के ऊपर बनाने हैं इन्होंने, उसके लिए भी ये कटिंग हुई हुई है। नाज़रीन आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कोशिश की है कि जो इनके कार्टेजेस बन रहे हैं ए शेप के कार्टेजेस हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, क्या उनका मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो सारे का सारा आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया। नाज़रीन अभी मैं इसके जो पेमेंट प्लान है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये पहला पेमेंट प्लान जो कार्टेजेस हैं उसका पेमेंट प्लान है, आप यहाँ इसकी प्राइसिंग सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और ये सेकंड पेमेंट प्लान जो स्मार्ट अपार्टमेंट्स हैं उनका है। और ये थर्ड पेमेंट प्लान जो हॉलीडे कंट्री क्लब के अंदर प्लॉट्स हैं उनका पेमेंट प्लान है। तो नाज़रीन जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हॉलीडे कंट्री क्लब की बाकी डिटेल्स भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उसको भी आप देखिएगा। और इसके बारे में आप और कुछ भी जानना चाह रहे हैं आप हमारे जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।